Hello guys and welcome to your online Govit train. Today we are going to learn about the fab function of Python math module. So what does it fab function do, what it returns and what how it is being done, work with it. It all will be discussed in this video. So keep watching. So guys, as I have said that in this video we will be going discussing about the fab function in math module. सो गाइस, ये मॉड्यूल में ये फैब फंक्शन कौन सा न्यू फंक्शन हो गया. फैक्टोरियल का नाम सुना है आपने, स्क्वायर रूट का नाम सुना है, ठीक है, सी का नाम भी सुना होगा, फ्लोर का भी सुना होगा, बट ये फैब फंक्शन कहाँ से आ गया, इसका क्या वर्क है, ये क्यों यूज़ होता है. मीन्स लॉट ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग गोइंग ऑन योर माइंड इफ़ यू आर अ बिगनर. अब इफ़ यू आर अ नॉट बिगनर बट एडवांस बट यू डोंट नो अबाउट दिस फंक्शन, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे ना गाइस. सो आपके इन क्वेश्चन का सारा जवाब मिल जाएगा आपको आज की वीडियो में, देखते रहना बस, ठीक है. तो देखो, ये फैब फंक्शन गाइस बहुत डिफरेंटली वर्क करता है, बट इसका वर्क काफ़ी ज़्यादा इजी भी होता है एंड इसका सिमिलर ही ऐसा कुछ भी है जो उसका कुछ डिफरेंट वर्क करता है. सो देखो ध्यान से, आगे चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है. तो देखो, इस फैब फंक्शन का पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ आपको. फैब फंक्शन रिटर्न्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है. ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन थी फैब फंक्शन की, ठीक है. तो बेसिकली फैब फंक्शन का जो एब्सोल्यूट नंबर जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, एक वर्ड एब्सोल्यूट नंबर, आई नो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एब्सोल्यूट नंबर इज व्हाट इट इज दिस, ठीक है. सो मैं बताती हूँ गाइस, ये एब्सोल्यूट नंबर होता क्या है. एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है. जो भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम एब्सोल्यूट नंबर्स कहते हैं, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है किसी भी फॉर्म में बट आपको ये आउटपुट देता है नॉन नेगेटिव नंबर में. अगर आपने बाई चांस अपने इनपुट में माइनस समथिंग नंबर लिखा है तो वो माइनस को रिमूव कर देगा एंड देन वो आपको नंबर दे देगा प्रिंट करके. बट अगर आपने पॉइंट में लिखा है माइनस तो वो आपको एज इट इज नंबर देगा प्रिंट करके. मीन्स ऐसा नहीं कि आपने अगर फ्लोट में लिखा तो आपको इंट में आउटपुट देगा, नहीं, ये आपको फ्लोट में ही आउटपुट देगा. अगर आपने इंट में भी लिखा होगा नंबर ना और माइनस लिखा होगा आगे, फिर भी वो आपको फ्लोट में ही देगा आउटपुट, बिकॉज ये इसका ही एक रूल है कि अगर आप इसमें किसी भी टाइप का नंबर लिखते हो, किसी भी डेटा टाइप का, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, वो आपको फ्लोट में ही देगा आउटपुट, ठीक है, फ्लोट में ही देगा. एंड माइनस नंबर लिखा होगा, माइनस लिखा होगा, माइनस को वो सिंपली रिमूव कर देगा और आपको फ्लोट में ही देगा आउटपुट. सो देखते हैं किस तरीके से होता है ये. लेकिन आज की वीडियो बता दूँ कि भाई इसके सिवाय हम अभी तो कोडिंग में लिखेंगे नंबर्स को, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट भी लेंगे सेम चीज़ के लिए. बिकॉज देखो गाइस, अभी तो आप अपने अकॉर्डिंग कोड लिख दोगे, कोड में कोई नंबर लिख दोगे, ठीक है. इफ़ अनदर पर्सन वॉन्ट्स टू टेस्ट दिस कोड देन हाउ दे विल डू by taking the user's input ना. so हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर. so come let's do the first thing that is in the code. so guys, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे math module का function है, तो ये important है कि math module को import करेंगे यहाँ पे. तो लिखते हैं import math, मेरा math module import हो गया. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ पे simply करना है अपना function का use, print math dot fabs. एंड गाइस, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ये एक एफ वर्ड है ना, जो स्टार्टिंग में ए बी एस के पहले एफ है, उस एफ का ना एक मोटिव है. एफ का मोटिव ये है कि ये आपको फ्लोटिंग में ही देगा आउटपुट, इसलिए यहाँ पे एफ यूज है, ठीक है. इसका एक सिमिलैरिटी फंक्शन जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, एक सिमिलैरिटी फंक्शन भी है जो कुछ इसके जैसा ही करता है वर्क, उसका नाम है एप्स, एप्स होता है, ठीक है. उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि आपको वो फ्लोट में ही देगा आउटपुट, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. बट थिंग इज़ दैट कि वो एप्स है, वो आपको फ्लोट, इंटीजर, किसी भी टाइप में आउटपुट दे सकता है. ये उसी से कुछ सिमिलर है बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं है दोनों, ठीक है. सो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं अपने नंबर को, जैसे मैंने बोला माइनस 56.7 लिखते हैं, ठीक है. सो गाइस, जैसे देखा अभी आपने कि मैंने कोड में के लिखा मैथ डॉट फैब्स, मीन्स इस लाइन का मतलब क्या, लेट्स गेट अंडरस्टैंड इट. प्रिंट क्या होता है, लाइन प्रिंट होता है प्रिंट कराने के लिए कोई भी आउटपुट या कोई भी स्टेटमेंट को, ठीक है. इतना वर्ड तो क्लियर है. देन आते हैं नेक्स्ट पे, मैथ डॉट फैब्स. मैथ इज़ द मॉड्यूल नेम एंड डॉट इज़ द फैब्स. मीन्स मैं चाहती हूँ कि मैथ मॉड्यूल से फैब फंक्शन को मैं यूज़ करूँ, ठीक है. मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा मैथ डॉट फैब्स, ठीक.
अब फिर मैंने वहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है बेसिक्स इंडेक्स में, तो मैंने यहाँ पे 56.7 लिख दिया है, माइनस 56.7। लेट्स सी क्या होता है आउटपुट। सो 56.7। सो एज आई हैव गाइस सेड कि यहाँ पे आपको ये माइनस साइन को रिमूव कर देता है और आपको ये फ्लोट में ही देता है आउटपुट। तो अभी तो आपको ये फ्लोट और आउटपुट का सिस्टम समझ नहीं आएगा बिकॉज अभी तो मैंने फ्लोटिंग में ही लिया है इनपुट भी। लेकिन अब जो मैं इसको अपने करूँगी, मैं यहाँ पे सिंपली विदाउट फ्लोटिंग में नंबर लूँगी, देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। -7 है। सो सी गाइस 7.0 माइनस इज रिमूव्ड एंड 0.0 इज बीइंग एडेड हियर इन द आउटपुट। सो जैसे मैंने कहा था तुम लोगों को कि यहाँ पे ये माइनस साइन को रिमूव करता है एंड आउटपुट को कन्वर्ट कर देता है फ्लोट टाइप में। अगर तुमने कोड ध्यान से देखा होगा गाइस, अगर आप लोगों ने कोड ध्यान से देखा होगा तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट में हमारे पास नहीं था इनपुट, हमारे पास क्या था वो -7 था, इंटीजर टाइप था, बट रिजल्ट हमें मिला क्या फ्लोट टाइप में मिला। सो ये एक वर्किंग वे है इस फंक्शन का, इस मेथड का, जो ये मैथ मॉड्यूल का है। ठीक है, अभी तो देखा आपने कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है, मीन्स सॉरी अरे मैंने यहाँ पे अपने आप कोडिंग में नंबर्स इनपुट किए एंड देन इनपुट लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक नॉर्मली यूज़र से इनपुट लेंगे। अब यूज़र गाइस कुछ भी नंबर डाल दे, कुछ भी कर दे, देखते हैं उन चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एन नेम का, देन यहाँ पे लिखते हैं इंट इनपुट, देन एंटर द नंबर। ओके गाइस, सो दिस विल प्रिंट द नंबर। ओके नाउ सी, यहाँ पे मैं सिंपली एन लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास अब प्रिंट मैथ डॉट फैप्स में यहाँ पे नंबर का नाम लिखना था, फिर नंबर लिखना, तो नंबर नहीं लिखा हमने, तो क्या क्या हमने उस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ लिख दिया जहाँ पे हमारा वैल्यू स्टोर है जो भी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने टू लिखा है, यूज़र ने इनपुट टू दिया है, टू कहाँ स्टोर हो रहा है एन में, एंड एन को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन में। सो बेसिकली मेरे को एन में जब भी फंक्शन यूज़ होगा तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। सो लेट्स सी बाय रनिंग इट, सो एंटर द नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ, कौन सा डालें नंबर, एक काम करते हैं नंबर डाल देते हैं -2। ओके, तो इसका क्या आउटपुट रहना चाहिए, ये 2.0 आना चाहिए ना कुछ, क्योंकि ये देखो ये माइनस साइन भी है एंड ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है एंड ये फ्लोटिंग टाइप का भी नहीं है। सो लेट्स सी क्या आता है, तो 2.0। सो गाइस ये एक वे है इस फंक्शन को यूज़ करने का, इस मेथड को यूज़ करने का। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्लियर हो गया हो बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से कभी जब मैंने -2 लिखा तो मेरे को 2.0 मिला एज अ आउटपुट, माइनस इज बीइंग रिमूव्ड एंड पॉइंट इज 0.0 हैज बीन एडेड बिकॉज इट प्रिंट्स एन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द आउटपुट। ठीक है गाइस, सो एक बार कर लेते हैं एक और एग्जांपल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नॉर्मली 55। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट 55.0। देखो यहाँ हमारे पास माइनस साइन नहीं है बट स्टिल इसने मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में ही दिया है आउटपुट। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये एम है ना कि फ्लोटिंग पॉइंट में ही देगा आपको आउटपुट, वेदर यू हैव अ नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, अदरवाइज इसका एम ये है कि अगर नेगेटिव है तो वो उसको नॉन नेगेटिव कर देगा बट वो आपको फ्लोटिंग में ही देगा आउटपुट। आई होप गाइस कि इतने चीज़ों तो आपको क्लियर हो गई हो बिकॉज आई हैव गिव यू द बेटर एक्सप्लेनेशन विद द यूज़र इनपुट एंड विद द कोडिंग्स एज यूजुअल विद द ड्राइविंग ड्राइवर कोड। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो फैब फंक्शन का, ये क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ हो कहीं पे छोटा सा डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना अपने डाउट्स का, बट कमेंट्स को पूछना जरूर, कमेंट्स में अपने डाउट्स रखना जरूर। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर फीडबैक टू। इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम इन माई वीडियोज एंड आई विल बी इम्प्रूविंग दैट, बट इफ यू गिव द फीडबैक फॉर दैट। सो कीप वॉचिंग गोवी ट्रेंड एंड कीप लर्निंग पाइथन विद गोवी ट्रेंड एंड ऑफ कोर्स इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ अ डाउट्स वीडियो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू।